तुम अचानक ही घर पर आ गई। ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पर नहीं उठ सकती थी? हाँ सुनो, मुझे कासिम भाई मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि निकाह के बाद बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, वो वहीं रहेंगे कुछ दिन तक। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी आंटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाई बंटी और सनम तो तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं। माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बेटा है तुम्हारा। बेटा हम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ जल्दी से चेंज कर लो। जी मामा। देखो जिया, ये शादी मैं अपने बच्चों को जमाने की ठोकरों से बचाने के लिए कर रही हूं। अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं करनी ये शादी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। राफे उमल तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ। देखो कासिम भाई ये चाहते हैं कि निकाह के बाद कुछ दिन बच्चे वहीं रहें। उनके मुल्क से बाहर से बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, और तुम जानती हो ना ये रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते हैं, बस इसी वजह से उन्होंने कहा है। कम ऑन यार, इतनी छोटी सी बातों की मानी जा सकती है ना? तुम जानती हो इज अ वेरी नाइस पर्सन, और कासिम भाई ने जो वादा तुमसे किया है ना वो जरूर निभाएंगे। अच्छा उन्हें एक बार फिर ये कह देना, मैं ये शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूं। हाँ हाँ वो समझते हैं इस बात को, तुम इस बारे में ज्यादा सोचो नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। दो चार दिन की तो बात है, उसके बाद बच्चे तुम्हारे साथ ही आके रहेंगे। ठीक है।